जी तो खुर्रम जमा साहब, आपको साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी अपॉइंट करने पे आप क्या तासुरात बयान करना चाहते हैं? आपको कैसा लगा? पहले तो आप ब्लॉक प्रेसिडेंट ने 78 वार्ड के, यहां से आपको प्रमोट करके पार्टी ने ब्लॉक सेक्रेटरी बनाया गया तृणमूल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी, तो आपको जो ये दायित्व तो मिली है, तो आप इस दायित्व को लेकर के किस तरह आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस दौर पे जहां के अभी रसाकसी का मामला है और बीजेपी जैसे पार्टी का हमला है बंगाल में, तो आप इसको अपने हिसाब से चैलेंज ले रहे हैं, तो आप जरा इस मामले पे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने भी लीडरान हैं, ममता बनर्जी, बॉबी हकीम, सुब्रतो बख्शी, सब लोगों को मैं अपने तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दायित्व, नया दायित्व मिला है, ये दायित्व भी हमें संभालना है, संवारना है, पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी को काम के माध्यम से आगे लेकर चलना है। जैसा कि आप जानते हैं 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस फॉर्म किया गया था, उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग तृणमूल कांग्रेस के दामन को थामे हुए हैं। पहले हमें अपने वार्ड के यूथ के सेक्रेटरी बनाया गया था, उसके बाद यूथ के प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद हमें साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के यूथ के सेक्रेटरी बनाया गया था, उसके बाद हमें इस वार्ड के प्रेसिडेंट, मदर के प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो कि कल तक के हम थे। और कल हमें बुला करके हमारा लीडर साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट देवाशीष कुमार, उन्होंने हमें अपॉइंट किया कि आपको अब दायित्व तो बढ़ा दिया जा रहा है, इस दायित्व तो आपको संभालना है, और हमें ये नए सर्टिफिकेट ये नए दे करके इन्होंने कहा कि आज से तुम साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हुए और आपके दायित्व तो बढ़ गया। आपको इस समय बहुत अच्छी तरीका से लोगों का दिल जीत करके काम करके आगे आना है और हमारे पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, तो मैं ये दायित्व कर लिया और आज से अपने काम शुरू किए हैं। आज हम लोगों के नवाबली पार्क से एक धिक्कार मिचिल निकालेंगे, जो कि आप जानते हैं पुलिस का 2 दिन पहले ममता बनर्जी को जो पांव में चोट आया, सर पे चोट आया, और ये साजिश के तहत जो बीजेपी ने किया है, आपने देखा ये बीजेपी का साजिश जो है ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की करा जा रहा है, ताकि ममता बनर्जी घर में रहे। देखिए कहावत है, एक फिल्म देखे थे हमने, उसमें एक डायलॉग था, वो कहता है कि 100 कुत्ता एक शेर को नहीं शिकार कर सकता, तो मैं कहना चाहता हूँ 100 कुत्ते एक शेरनी को, हमारे बंगाल के शेरनी, हमारे दीदी और ममता बनर्जी बंगाल के सीएम को 100 कुत्ते जो आ रहे हैं सारे बीजेपी के कुत्ते, एक शेरनी को नहीं संभाल सक रहा है वो, अभी ये कर रहा है उनको इंजोर्ट करके उनको घर में बैठा देने की कोशिश कर रहा है। मगर हमारे ममता बनर्जी, हमारे सीएम, हमारे बॉबी दा ना कभी घर में बैठे हैं ना बैठेंगे। आज 1998 से पहले भी जब कांग्रेस में थी ममता बनर्जी, तब भी हमला किया गया था उनके ऊपर, आप जानते हैं, और आज भी वही हमला के शिकार हो रही है। कितनी मार खाएंगे और कितनी वो कब तक इस तरह से लड़ेगी वो शेरनी के जैसा? क्यों उनकी इतने दुश्मन क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी से, आखिर आपको लड़ना है तो आप आइए, पॉलिटिकल आदमी हो, पॉलिटिक्स में लड़ो, आकर के आपने क्या तरक्की की है बंगाल के लिए, आपने क्या दिया है हिंदुस्तान के लिए, आप ये बता करके लड़िए, ना कि आप इंजोर पहुंचा के हमारे नेत्री को आप जीतने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सारे बंगाल के लोग देख रहे हैं, सारे लोग आज भी ममता बनर्जी को प्यार करते हैं, बीजेपी के हाथ आज भी कुछ नहीं आएगा, अगला बार भी कोशिश किए और आज भी कुछ नहीं आएगा। हम लोग धिक्कार मिचिल निकाल रहे हैं, हम लोग नेता बॉबी हकीम साहब वहां रहेंगे, अभी थोड़े देर में बॉबी हकीम साहब आ जाएंगे, और मुझे तो दायित्व मिला है, वो दायित्व हम फिर करके दिखाएंगे। और ऊपर वाला ने चाहा
तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, आप ये विधानसभा की सीटों को किस नजर से देख रहे हैं? आप लोग कितने सीट पे हावी होंगे इस इलेक्शन में? हम लोग 180 से 200 सीट जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 180 से 200 सीट लेकर के आएगा। बाद बाकी के सीट जो है वो उनमें बढ़ेगा जो धर्म के नाम में राजनीति कर रहे। कुछ लोग ऐसा है ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। कुछ अब एक जो नया लड़का उठा अब्बास सिद्दीकी, वो भी धर्म के नाम में राजनीति कर रहा, वो भी हम लोग नहीं चाहते। और बीजेपी जो है वो भी धर्म के नाम के राजनीति करता है, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके हम लोग एक साथ रहते हैं। ये छोटा हम लोग का हिंदुस्तान है, मिनी हिंदुस्तान हम लोग कहते हैं खैदरपुर को। यहाँ हर जाति हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं। तमाम लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली होली भी मनाते हैं, और हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, गुरु नानक के जन्मदिन भी मनाते हैं। हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों को धर्म के नाम में बांटने की कोशिश करेंगे तो हम लोग हरगिज ये होने नहीं देंगे। बंगाल को धर्म के नाम में बांटने नहीं देंगे। आप जहाँ बांटते हैं धर्म के नाम में, जाओ आपके गुजरात है, आपके गुजरात को धर्म के नाम में बांटते हो, यूपी को धर्म के नाम में बांटते हो, बंगाल कभी भी धर्म के नाम में ना बटा है ना बटेगा। हम लोग साथ थे, साथ रहेंगे। हम यही बात कहना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिगेड की जो रैली की आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो ये रैली क्या कामयाब रहेगी आप लोगों की? ब्रिगेड की जो रैली होने वाली है दीदी, तो इस वक्त ब्रिगेड की रैली देखने लायक की होंगे। आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा, ममता बनर्जी खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, खुद का रिकॉर्ड। आज तक का उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा, ममता बनर्जी खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रैली ब्रिगेड दिख करके दिखाएंगे, और हम लोग जब जीतेंगे सरकार बनेगा उस वक्त भी हम लोग एक रैली करेंगे, उस वक्त भी आप देखिएगा किस तरह से होता है। आपका नाम? खुर्रम जमान वारसी। मैं साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के अभी नए सेक्रेटरी बने हूँ। मुझे दायित्व, बहुत बड़ा दायित्व मिला है, इस दायित्व को दुआ कीजिए हम कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया कामराज साहब, खुर्रम साहब आपसे मिल करके। फोटो फैक्ट्री से आपका खैर मकदम।